अजमेर में बुधवार को भाजपा बोर्ड की आखिरी साधारण सभा आखिरकार समाप्त हो गई। इस समाप्ति के साथ ही अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत बन रही एलिवेटेड रोड पर सवालिया निशान खड़े हुए। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। पार्षद नीरज जैन ने सदन के अंदर सवाल खड़े किए। क्या सवाल हुए, किस तरीके से एलिवेटेड रोड पर सवाल खड़े किए, उन्हीं से हम जान लेते हैं। एलिवेटेड रोड का क्या मामला है, आपने आखिरकार अपनी ही सरकार की इतनी बड़ी योजना के ऊपर सवाल क्यों खड़े कर दिए? सवाल था अधिकारियों की मानसिकता का, उनके काम करने के तरीके का। एलिवेटेड रोड अजमेर की आवश्यकता है और आने वाले टाइम में अजमेर की हार्ट लाइन बनेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उनका सोच था, वो आज भी हमारा सोच है, भाजपा बोर्ड का सोच है, हमारे विधायकों का सोच है। लेकिन स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो लैक्यूना किया गया, जो गलतियां छोड़ी गई, उसका दुष्परिणाम कई अजमेर की जनता को नहीं भुगतना पड़ जाएगा। पिछले 1.5 साल से एलिवेटेड रोड बन रहा है, जगह जगह खड्डे हैं, सड़कें टूटी हुई है, आमजन परेशान है, आने जाने का रास्ता बंद है। लेकिन जिस प्रकार वो पार्किंग का प्रस्ताव लेकर के आए, 5 में से 4 पार्किंग प्रस्ताव ऐसे थे जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जद में 100 मीटर और 200 मीटर की जद में आते हैं, वहाँ निर्माण नहीं हो सकता। वैसे ही ये एलिवेटेड रोड के लिए भी मेरे द्वारा पूछा गया, ना तो उन पार्किंग के लिए आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से NOC ली है, और उन पार्किंग के जगह कैसे बनना चाहिए उसकी भी आपने कोई टेक्निकल और लीगल ओपिनियन नहीं ली, ना टेक्निकल कोई इसकी रिसर्च की है। वैसे ही एलिवेटेड रोड की भी, क्योंकि वो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रतिसिद्ध क्षेत्र है, प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ से निकल रहे हैं, तो क्या उसकी NOC ले ली गई? ये पूछने पर उनके पास का जवाब नहीं था। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में कहीं कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई न्यायालय इस प्रकार का आदेशित कर दे और यह एलिवेटेड रोड आधा अधूरा ऐसे बीच में खड़ा रहे, अजमेर की जनता के लिए परेशानी का सबब बने। तो टेक्निकल लीगल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो और उसके बाद ही उसके साथ इसका निर्माण हो, ऐसी मांग सदन में मेरे द्वारा की। ये काम एलिवेटेड रोड का अजमेर में काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, लगभग 1 साल के ऊपर होता गया है, आखिरकार आज का ही दिन क्यों, इतने लंबे समय तक इस बात को क्यों नहीं उठाया गया? इस विषय में जब ये विषय जब यहाँ सदन में आया पार्किंग को लेकर के, साहब हमने पार्किंग डेवलप करनी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, तो जिस स्थानों पे वो पार्किंग डेवलप करना चाह रहे थे वो बिल्कुल प्रतिष्ठित क्षेत्र में थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वैसे ही एलिवेटेड रोड के लिए मैंने पूछा, पार्किंग के लिए आपने NOC ली? उन्होंने कहा नहीं ली। और मैंने कहा एलिवेटेड रोड के लिए तो ली होगी आपने, तो भाई कहीं उनके मन में था कि NOC मिलती नहीं है। एक इस प्रकार की चर्चा सदन में आई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की NOC नहीं मिलने के कारण कई प्रोजेक्ट हमारे अधूरे रह गए, बन नहीं पाए, और लेकिन उसकी NOC के बिना कई निर्माण जो कि व्यक्तिगत प्राइवेट निर्माण वो हो गए। इस पर मेरा प्रश्न था, तो क्या हमने इसके लिए लिया नहीं ली? अगर उसके लिए लिए है तो फिर इनके लिए भी आप NOC लीजिए। लेकिन उनका जवाब उस पर ना आया और उनका कहना था हमने प्रोसेस कर दिया है, तो सिर्फ प्रोसेस करने के बाद NOC तो नहीं मान ली जाएगी। आपको नहीं लगता कि आपने जो आज सदन में मामला उठाया ये NOC वाला, ये मामला एलिवेटेड रोड के निर्माण को रोक भी सकता है? मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि जब पार्किंग रुक सकती है उसके कारण से सुभाष उद्यान में निर्माण रुक सकता है, उस क्षेत्र में जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्र प्रतिष्ठित क्षेत्र है वहाँ पर सुभाष उद्यान के अंदर बाउंड्री पर वहाँ निर्माण रुक सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आधा अधूरा ये एलिवेटेड रोड बने और ऐसे में उसकी NOC नहीं ली गई हो। अगर NOC ले ली गई है तो पार्किंग के लिए भी उसी प्रकार से प्रोसेस करके ले ली जाए। मेरा मन ये था कि उनकी भी ले ली जाएगी तो पार्किंग डेवलप हो जाएगी, और अजमेर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, तो ध्यान में आया उन्होंने NOC नहीं ली, तो मैंने कहा जी उसके लिए तो ली होगी आपने, तो उसके लिए भी नहीं ली, प्रोसेस में है। तो ये गलती अधिकारियों की थी, उनका खामियाजा अजमेर की जनता कहीं ना भुगते, इसलिए मेरे द्वारा ये प्रश्न उठाया गया। बुधवार को सदन में सफाई कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी लेकर आए हैं तमाम पार्षद, सर्वसम्मति से उन्होंने प्रस्ताव को पास भी किया है। ये 182 सफाई कर्मियों का मामला क्या है और आज सदन से इनके लिए क्या प्रस्ताव पास हुआ है? सन 2012 में सफाई कर्मियों की भर्ती निकली थी, उस भर्ती के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट करके जो भी उसकी जो आवश्यकता थी उनको पूरा करके 182 ऐसे सफाई कर्मियों को चिन्हित कर लिया गया था। लेकिन कुछ आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, और सीधा सीधा आरोप अधिकारियों पे और
उन पर लगने के कारण से जो निगम के उस समय कमिश्नर थे उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा कि इन आरोपी की जांच करा ली जाए उसके बाद ही नियुक्ति दी जाए। तो वो जांच में कई जो क्वालिफिकेशन जो मांगी वो फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं इसको लेके प्रश्न बना, उसके कारण सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। ये सफाई कर्मचारी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया, फैसला देने के बाद भी आज दिन तक इनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी और वो सफाई कर्मचारी इस नगर निगम में इस अजमेर में जन जन के बीच में काम करते हैं, जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं, उनको सर्टिफाइड करने की आवश्यकता अगर कहीं पड़ती तो हम सर्टिफाइड करने को तैयार थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन सबको नहीं मानते हुए इनको आज तक नियुक्ति नहीं दी थी। तो सदन ने पुनः आज प्रस्ताव ला करके उन्हें नियुक्ति दिए जाने का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया और सरकार से अनुशंसा की है इनको तुरंत नियुक्ति दी जाए। 182 सफाई कर्मियों का जो मामला है भाजपा वोट का ऐतिहासिक मामला है और अब गेंद सरकार के पाले में जा चुकी है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।